यह शत्रु जिनका हम सामना करते हैं, इस विषय पर लगातार चार वार्ताओं में से पहला है। मुझे भरोसा है कि आज शाम को यहाँ उपस्थित हर एक प्रतिबद्ध है, जानते हैं कि जो हम शत्रुओं का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि आपके खिलाफ काम करने वाले शक्तिशाली और सक्रिय दुश्मनों का होना और यह पता भी न होना कि आपके शत्रु है, एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। जिन दुश्मनों का हम सामना करते हैं वे मांस और रक्त वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन वे अदृश्य आत्मिक प्राणी हैं। जो विषय हम इन वार्ताओं में देखने जा रहे हैं वह एक ऐसा विषय है जिन्हें मानव इंद्रियों से परखा नहीं जा सकता। बाइबल उन चीज़ों के बारे में बात करती है जिन्हें आँखों ने नहीं देखा, न कानों ने सुना और न ही मनुष्य के दिल में प्रवेश किया है। अदृश्य और आध्यात्मिक चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, केवल धर्मशास्त्र के माध्यम से समझा जा सकता है। विश्वसनीय जानकारी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। मैं सोचता हूँ बहुत से लोग कल्पना करते हैं कि जो बातें हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते और स्वाद लेते हैं वे ही असली बातें हैं। वास्तव में युगों से दार्शनिक लोग निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वे सच में वास्तविकता नहीं है, वे तात्कालिक है, वे अस्थाई है और वे बहुत बार भ्रामक है। आप अपने इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। यह अद्भुत है कि सदियों से विभिन्न दार्शनिक लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बाइबल यही कहती है। पौलुस कहता है कि जो चीज़ें दृश्य अस्थाई है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है वे अनंत है। दूसरे शब्दों में भावना की दुनिया की बातें केवल अस्थाई है, वे केवल आंशिक रूप से असली है, वे बनी नहीं रहती, लेकिन आत्मिक दुनिया की बातें जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, सच में असली बातें हैं। वे ऐसी चीजें हैं जो बनी रहती है। तो जब हम इस तरह एक विषय पर आते हैं तो हमें एक मानसिक समायोजन बनाकर शुरू करना और अपने आप से कहना चाहिए, मैं उन चीज़ों तक स्वयं को सीमित करने नहीं जा रहा हूँ जो मैं देखूँ, छूँ, सुनूँ और चख सकता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा के माध्यम से उस प्रकाशन के लिए अपने हृदय और मन को खोलने जा रहा हूँ जो एक अलग दुनिया की चीज़ें है। पौलुस ने इफिसुस के मसीहों के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि की आत्मा और ज्ञान का प्रकाश दे, और हम जो यहाँ है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब हम उसके वचन के प्रति अपना हृदय खोलते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि की आत्मा और प्रकाशन प्रदान करे, क्योंकि हम ऐसी बातें देख रहे हैं जिन्हें केवल प्रकाशन द्वारा ही जाना जा सकता है। हम दो राज्यों, दो विरोधाभासी राज्यों के बारे में देखने जा रहे हैं जो एक दूसरे से युद्धरत है, परंतु वे ब्रिटेन और स्वीडन या अन्य देशों के समान स्वाभाविक राज्य नहीं है, परंतु वे अदृश्य आत्मिक राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य और दूसरा शैतान का राज्य। मैं मत्ती 12 पढ़ने के द्वारा प्रारंभ करना चाहता हूँ, केवल दो पद, 26 और 28 पद। फरीसियों के द्वारा यीशु पर आरोप लगाया जाता था कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार से दुष्ट आत्माओं को निकाला करता था जो बालजबू कहलाता है, और उसने उन्हें बताया कि यह बहुत ही अताकिर्क व्याख्या थी और इसका सच होना संभव नहीं था। उन्हें यह बताने के द्वारा उसने ये दो बातें बताई, सबसे पहले 26 पद में, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। तो जैसा कि यीशु ने खुद संकेत दिया है कि शैतान का एक राज्य है, मुझे लगता है कि बहुत से मसीहों को यह समझना मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। और फिर यीशु दो पदों में आगे कहता है, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। एक और राज्य है, परमेश्वर का राज्य। तो यहाँ दो अदृश्य आत्मिक राज्य है, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। और यीशु कहता है कि उसकी सेवा का एक खास पहलू है जो दो राज्यों को खुले में लाता है, और वह उसकी सामर्थ और सत्ता के द्वारा दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना है।
दुष्ट आत्माएं अदृश्य आत्मिक प्राणियां शैतान के राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यीशु और तब वे जो उसके सेवक हैं और उसकी सेवा परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और परमेश्वर के राज्य को प्रकट में लाते हैं। इसके अलावा यह तथ्य कि यीशु और उसके सेवक शैतान के राज्य को दूर कर सकते हैं कायल करने वाला प्रमाण है कि परमेश्वर का राज्य शैतान के राज्य से भी अधिक शक्तिशाली है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे विश्वास है कि इसलिए शैतान विशेष रूप से छुटकारे की सेवा को ताकि नापसंद करता है, क्योंकि वह उन बातों को खुले में ले आता है जिन्हें वह गुप्त रखना चाहता है, और ये यह भी दर्शाता है कि यीशु का राज्य उसके राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। और अब शैतान के राज्य के विषय में इस बातचीत पर बात करना चाहता हूँ, और हम इफिसियों 6 अध्याय 12 पद निकालेंगे, जो कि मैं सोचता हूँ कि मुख्य पद है जो इसका वर्णन करता है। और पुनः मैंने आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हम अब उन बातों पर बात कर रहे हैं जिन्हें आपकी इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता है। मैं न्यू किंग जेम्स संस्करण से पढ़ूंगा, जो कि ओल्ड किंग जेम्स संस्करण के समान है लेकिन थोड़ा सा संशोधित। इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। स्थानों शब्द अवतरण चिन्ह में है, यह अनुवादकों द्वारा रखा गया है। मुझे लगता है कि स्वर्गों में कहना बेहतर है। किसी ने एक बार कहा कि अधिकांश कलीसियाओं ने उस पद को गलत कहा है। जिस तरह से वे इसे पढ़ते हैं वह इस तरह है, क्योंकि हम मल्लयुद्ध नहीं करते, ये ऐसा नहीं कहता है। मैं आप इस विशेष पद का प्रिंस संस्करण देना चाहता हूँ। जब से मैं 10 साल का था तब से मैंने यूनानी का अध्ययन किया है और मैं इसे विश्वविद्यालय स्तर पर सिखाने के योग्य हूँ। मैं गर्व करने के लिए यह नहीं कहता हूँ, परंतु कम से कम यह मुझे अपनी राय देने का अधिकार देता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं एक राय का हकदार हूँ। मैं लिविंग बाइबल से एक पद लेकर शुरू करना चाहता हूँ जो कहता है, हमारे मल्लयुद्ध का खेल सशरीर व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। मुझे लगता है कि यह बहुत उज्ज्वल है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं। जब तक हम यह नहीं समझेंगे, हम वास्तव में आंखों पर पट्टी बांध एक बॉक्सर की तरह है। हम व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिन शरीर आत्मा है। अब हम आगे जाएंगे, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध का खेल, फिर से मैं ये बताता हूँ कि यह एक बहुत ही तीव्र संघर्ष है। मुझे लगता है कि पारस्परिक संघर्ष के सभी रूपों में कुश्ती सबसे तीव्र होता है। यह एक व्यक्ति का पूरी तरह किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना है। यह महज संयोग नहीं है कि शैतान के साम्राज्य के खिलाफ हमारे युद्ध के लिए पौलुस इस वाक्यांश का उपयोग करता है। यह संपूर्ण युद्ध प्रणाली है। हमारी कुश्ती मैच सदैव व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है। अब यहाँ प्रिंस संस्करण आता है, परंतु विभिन्न क्षेत्रों और अधिकार के उतरते क्रम से शासन के विरुद्ध, इस वर्तमान अंधकार के वैश्विक दमनकारियों के विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि शैतान का राज्य कोई गड़बड़ी का नहीं है, वह अत्यधिक संगठित राज्य है जिसके लिए उसे कोई श्रेय नहीं मिलता, क्योंकि वह, मैं मानता हूँ और मैं इस पर कुछ ही क्षणों में प्रकाश डालूंगा, कि एक मुख्य स्वर्दूत जो स्वर्दूतों के बड़े विभाग का प्रमुख था और इस तरह उसके पास एक दैवीय संगठनात्मक प्रणाली थी, जब उसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया और विद्रोह में अपने स्वर्दूतों का नेतृत्व किया, तो उसने बस प्रणाली को अपने हाथ में ले लिया और उसे परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। तो कल्पना में भी मत कीजिए कि शैतान का एक अत्यधिक संगठित राज्य नहीं है। जैसा कि मैंने कहा,
जिसके लिए उसे कोई श्रेय नहीं मिलता है। श्रेय परमेश्वर का है। लेकिन आइए हम इस तथ्य को ध्यान में रखें कि वह कोई सीधा साधा देहाती नहीं है, वह एक बहुत ही चतुर, शक्तिशाली और बुरा प्राणी है। आइए अब हम संक्षेप में संशोधित संस्करण, एम्पलीफाइड संस्करण को देखें, जो मैंने आपको दिया। प्रधानों और अधिकारियों के विरुद्ध मैं हाकिम कहता हूँ, क्योंकि यूनानी शब्द भाववाचक है, वह शासक नहीं है। यद्यपि अधिकांश आधुनिक अनुवाद ऐसा कहते हैं, वह शासन है। शैतान के राज्य में एक निश्चित स्तर का आत्मिक अधिकार है, और इन शासकों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार रखने वाले उपशासक होते हैं, और उनके अधीन अधिकार के छोटे क्षेत्रों वाले उपशासक होते हैं। इस तरह एक शासक के पास अधिकार का एक प्रमुख क्षेत्र होता है, उसके अधीन छोटे शासक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक उसका एक छोटा क्षेत्र है। उसके अधीन छोटे छोटे शासक होते हैं, जिनके पास अधिकार के छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। खैर, यह पहली तस्वीर है, और कुछ ही समय में पुराना नियम में से आपको अत्यंत स्पष्ट उदाहरण दूंगा कि यह कैसे काम करता है। तब यह कहता है, इस वर्तमान अंधकार के विश्व शासन के विरुद्ध मैंने जानबूझकर शासन शब्द का प्रयोग किया करने के लिए चुना है, क्योंकि यह एक शैतानी शब्द है। परमेश्वर कभी भी शासन नहीं करता। जहां आप शासन का सामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे शैतान होता है, और शैतान की महत्वाकांक्षा, अभिलाषा और रणनीति ऐसे स्थान पर आने की होती है जहां इस पूरे संसार पर वह शासन करता है, लेकिन वह एक अंधकार की प्रणाली के साथ प्रभुत्व करेगा। आप देखें, परमेश्वर का राज्य प्रकाश का राज्य है, शैतान का राज्य अंधकार का राज्य होता है। वे जो परमेश्वर के राज्य में है, वे जानते हैं कि किसकी सेवा कर रहे हैं, और वे स्पष्ट रूप से देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। वे जो शैतान के राज्य में, उनमें से अधिकांश को यह भी पता नहीं है, न ही वे जानते हैं कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। और फिर तीसरा वाक्यांश है, आकाश में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध। दुष्ट, शक्तिशाली, विद्रोही आत्मिक प्राणी की सारी सेनाएं ऐसे स्थानों पर जो आकाश कहलाता है, यह कलिसिया में एक प्रकार की स्वीकृत परंपरा है कि अधिकांश लोग समझते हैं कि शैतान नरक में है। अधिकांश लोग इस तरह सोचते हैं। इस पर मेरी टिप्पणी यह है, यदि यह सच होगा तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन यह नहीं है। यह मानने के लिए धर्मशास्त्र में चाहे कुछ भी आधार हो, पर इसके लिए कोई वारंटी नहीं है। अब हम उसमें कुछ ही क्षणों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आइए हम इस पर संक्षेप में विचार करें कि शैतान का राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया। मैं यशाया 14 अध्याय निकालकर कुछ पद पढ़ना चाहता हूँ। ये पद लूसिफर नामक एक प्राणी के बारे में बताता है। इस शब्द का, जो कि लैटिन भाषा से है, अर्थ है वह जो प्रकाश लाता है, एक चमकने वाला प्राणी। इब्रानी शब्द हेलेल का अर्थ है भोर का तारा। आप चाहे किसी भी रूप या नाम का प्रयोग करें, इसका अर्थ एक अत्यंत उज्जवल, चमकदार, शानदार व्यक्ति है। और मेरा विश्वास है कि वह एक महादूत था। अब आर्क शब्द फिर से एक यूनानी शब्द से है। इन सब की चिंता मत कीजिए, जिसका अर्थ है शासन। तो महास्वरदूत एक शासन करने वाला स्वरदूत है, एक स्वरदूत जो दूसरों पर शासन करता है। यही शब्द आर्च बिशप में पाया जाता है। आर्क बिशप ऐसा बिशप है जो अन्य बिशपों पर अधिकार रखता है, और मैं मानता हूँ कि यह परमेश्वर की स्वर्गीय सेना के प्रमुख स्वरदूतों में से एक की तस्वीर है। उसका नाम लूसिफर था। उसे ऐसा इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि वो शानदार और सुंदर था, लेकिन उसने एक दुखद गलती की। उसने अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ बगावत किया और स्वयं को परमेश्वर के समान बनाने का प्रयास किया। बहुत रोचक है, यहाँ हमारे सामने एक तरफ हमारे पास लूसिफर और दूसरी तरफ यीशु के बीच तुलना है। लूसिफर एक सृजित प्राणी था,
परमेश्वर के बराबर नहीं था। उसने परमेश्वर के समान होना चाहा और गिर गया। यीशु के विषय में फिलिप्पियों 2 अध्याय में वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ईश्वरीय अधिकार से उसने यह प्राप्त किया, परंतु उसने स्वयं को दीन किया और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। अब आइए यहाँ इस छोटी सी तस्वीर को देखें, 12 पद से आरंभ करें। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? अब हमें विद्रोह के लिए लूसीफर की प्रेरणा का पता चलता है और निम्नलिखित पदों में हमें मैं हूंगा वाक्यांश 5 बार मिलता है। यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्राणी की इच्छा है। मुख्य शब्द विद्रोह है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर रहूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और शब्द का अर्थ मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा भी है। तो शैतान की महत्वाकांक्षा खुद को परमेश्वर के साथ समानता की स्थिति तक ऊपर उठाना था। वह इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान और बहुत सुंदर था और इतना गौरवशाली था कि उसने स्वयं से कहा, मैं परमेश्वर के तरह हो सकता हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय है, और यह सिर्फ एक राय है, कि उसने अपने अधीन स्वर्गदूतों को प्रेरित किया कि उस विद्रोह में शामिल हो। और मैं इसकी कल्पना करता हूँ, क्या आप स्वर्ग में इस तरह की बातों की कल्पना कर सकते हैं? मैं बस यह तस्वीर, यह सब स्वर्ग में शुरू हुआ, विश्वास करें या ना नहीं, लेकिन यह हुआ। मैं उसे अपने अधीन स्वर्गदूतों के चारों तरफ जाते और कहते हुए कल्पना करता हूँ, अब तुम सच में प्रतिभाशाली हो, तुम असामान्य रूप से वरदान प्राप्त हो, तुम्हारे पास जो कुछ है उनका परमेश्वर सच में सराहना नहीं करता है, लेकिन अगर मैं प्रभारी बनूं तो तुम देखो मैं तुम्हें वह स्थान दूंगा जिसके तुम सच में हकदार हो। और जाहिर तौर पर फिर से यह जरूरी नहीं है, यह निष्कर्ष की बात है। उसने परमेश्वर के प्रति स्वर्गदूतों की एक तिहाई वफादारी को कम आंका और उनके माध्यम से उसके साथ विद्रोह और उसके पतन में। और इसलिए परमेश्वर कहता है, तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। आइए देखें कि यिज़कएल 28 में क्या कहा गया है, जहां हमें ऐसा ही उल्लेखनीय प्राणी का चित्रण मिलता है। यिज़कएल 28 में 2 भाग है, उनमें से प्रत्येक एक विलाप या हाय की घोषणा है। पहला सोर के राजकुमार पर है, दूसरा सोर के राजा पर है। अगर आप विस्तार में अध्याय का अध्ययन करें, जिसे करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, अगर पाएंगे कि सोर का राजकुमार एक मानव था, भले ही उसने परमेश्वर होने का दावा किया, लेकिन यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह एक मनुष्य था। दूसरी ओर वह बहुत स्पष्ट है कि हम सोर के राजा का वर्णन पढ़ते हैं कि वह मनुष्य नहीं था। और यहाँ हमें एक दिलचस्प चित्र मिलता है कि कैसे शैतान का साम्राज्य का राज्य संचालित होता है। हमारे पास मानव शासक सोर का राजकुमार है, लेकिन उसके पीछे अंधे के क्षेत्र में शैतानी शासक सोर का राजा है। और एक अर्थ में मानव शासक वास्तव में एक कठपुतली से बढ़कर नहीं है, जो अनदेखे क्षेत्र से संचालन के अनुसार कार्य करता है। जब आप इन सत्यों को देखने लगते हैं, तो इतिहास और राजनीति एक बहुत अलग अर्थ में दिखता है। मुझे लगता है कि इतिहास के कई तथाकथित महान पुरुष, वे जो काम करना चाहते थे उसके लिए बस शैतानी कठपुतलियाँ थी जो अदृश्य तार के द्वारा संचालित होते थे। कुछ देर देखें कि यिज़कएल 28:12 में दूसरे प्राणी के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तू तो उत्तम से भी उत्तम है,
तू बुद्धि में भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, तिल मणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ऐसे कई बाइबल शिक्षक हैं जो मानते हैं कि शैतान, चलो लूसीफर कहे, उसने तब से अभी तक अपना नाम नहीं बदला है। लूसीफर तब स्वर्ग में आराधना का प्रमुख हुआ करता था। मुझे लगता है कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि शैतान जैसा अब आज है संगीत के बारे में बहुत जानता है और वह उसका उपयोग लोगों का वशीकरण करने के लिए अपने साधन के रूप में उपयोग करता है। आगे 14 पद में तू छाने वाला अभिषिक करूब था। कौन क्या छाया है? परमेश्वर का सिंहासन। देखे धर्मशास्त्र यह बहुत स्पष्ट कहता है, यह कई करूब है जो अपने फैले हुए पंखों से परमेश्वर के सिंहासन को छाए रहते हैं। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। यह मनुष्य नहीं है, आप यह देख सकते हैं। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परमेश्वर उसे स्मरण दिला रहा है, तू सिरजा गया है, तू परमेश्वर नहीं है, तू सिरजा गया प्राणी था। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। मैं विद्रोह शब्द का उपयोग करना चाहता हूँ। जब तक तूने विद्रोह नहीं किया, और तब 16 पद में हम पढ़ते हैं लेन देन की बहुतायत के कारण। अब यही शब्द नीति वचन की पुस्तक में एक कथावाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक व्यापारी के रूप में उप गया है क्योंकि एक व्यापारी अपना माल पेश करने और उन्हें बेचने जाता है, परंतु एक वाहक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक कथा वाहक कथा कहते हुए इधर उधर आता जाता रहता है। यही कारण है कि अब मेरा विचार है कि शैतान बस अपने स्वर्गदूत को बताता चला, ठीक है देखो अगर मैं उस स्थिति में होता वास्तव में आप लोगों की सराहना होती, मैं आप लोगों को तरक्की देता, मैं तुम्हें वह अधिकार दिलाता जिसके तुम सच में हकदार हो। तो यह मेरा विचार मात्र है, लेकिन आइए कहे, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा है, वे तुझको देखे तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए हैं। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। इसलिए शब्द पर ध्यान दे, इसलिए क्या सूचित करता है? विद्रोह पर परमेश्वर का न्याय। और फिर हमें शैतान लूसीफर की असली प्रेरणा मिलती है। जब तक वह शैतान नहीं बन जाता है तब तक चलो उसे लूसीफर कहते हैं। 17 पद, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। शैतान की प्रारंभिक प्रेरणा क्या थी? घमंड। हमें हमेशा इसे स्मरण करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड में सबसे पहला पाप पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में हुआ। यह बाधकता नहीं था या व्यभिचार नहीं था या झूठ बोलना भी नहीं था, यह घमंड था। और मेरा विश्वास कीजिए यह अभी भी अब तक सबसे अधिक घातक और सभी पापों से खतरनाक है। और कलीसियाओं में जाने वाले बहुत से लोग जो व्यभिचार नशा नहीं करते हैं बहुत आसानी से घमंड से मोहित हो रहे हैं और एहसास भी नहीं है यह कितना खतरनाक है। अब मैं एक सवाल पर विचार करना चाहता हूँ जो कि कई लोगों के मन में आता है। वे कहते हैं, ठीक है अगर शैतान को स्वर्ग से बाहर कर दिया गया तो फिर वह अब तक स्वर्ग में कैसे है? जवाब बहुत सरल है, एक से अधिक स्वर्ग है। स्वर्ग को बहुवचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम सिर्फ दो पदों को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों में 12:2। पौलुस उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने अलौकिक क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुभव किया था और वह कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ जो 14 वर्ष हुए न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य
तीसरे स्वर तक उठा लिया गया। मैं एक उपदेशक बनने से पहले मैं तर्कशास्त्री था। किसी ने एक बार मुझे कहते हुए गलत सुना कि मैं एक जादूगर था, लेकिन ऐसा नहीं है और तर्क अभी भी मेरे साथ अटका है। मेरा तार्किक मन मुझसे कहता है यदि एक तीसरा स्वर्ग है तो फिर पहला और दूसरा भी होना चाहिए। बिना एक और दो के आपके पास तीन नहीं हो सकता है। तो अगर तीसरा स्वर्ग है जैसा कि पौलुस इंगित करता है तब कम से कम तीन स्वर्ग होते हैं। स्वर्ग बहुवचन है और एक और पद बस पुष्टि करने के लिए इफिसियों 4:9-10 पद यह बताता है कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के बीच में क्या हुआ। वचन कहता है उसने चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया वो यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। आप इस वाक्यांश पर ध्यान दें, आकाश फिर ये शब्द का उपयोग करने के लिए सही नहीं है। बहुवचन में और एक से अधिक में कुछ भी का प्रयोग करना सही नहीं है, यह कम से कम है। सालों पहले जब मैं केनिया में अफ्रीकी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज में प्रिंसिपल था तो मेरे छात्रों में से एक मेरे पास आया और कहा मेरे सभी माता पिता मुझे देखने आए हैं। तो मैंने कहा मैं समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन अगर केवल दो है तो अंग्रेजी में सभी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कम से कम तीन होना चाहिए। तो जब पौलुस कहता है यीशु स्वर्गों पर चढ़ा, उपयुक्त कम से कम तीन है। निजी तौर पर मुझे लगता है कि यह कुल है या मेरी निजी राय है। आपने कभी कभी लोगों को कहते सुना है इन दिनों आम तौर पर नहीं, मैं सातवें आसमान पर था। मेरा सुझाव है कि आपका यह कहना सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह वाक्यांश इस्लाम की किताब कुरान से आया है। मैं नहीं सोचता कि तीन स्वर से अधिक का बाइबल में कोई आधार है। अगर आप सच में खुशी महसूस कर रहे हैं कहना ठीक है मैं नौवे बादल पर था, क्योंकि बाइबल इंगित करता है कि कई बादल है। अब मैं आपको एक राय प्रदान कराता हूँ या सिर्फ कुछ ऐसा है जो मुझे संभावित लगता है, आपको इस पर विश्वास नहीं करना है। मेरे साथ सहमत हुए बिना आप स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन मैं तीसरे स्वर्ग पर विश्वास करता हूँ जिस पर यह व्यक्ति पौलुस जानता है कि उठा लिया गया। परमेश्वर की उपस्थिति का स्वर्ग, परमेश्वर का वासस्थान, और वहाँ वह कहता है उसे अकथनीय शब्द सुने, खुद परमेश्वर के शब्द। अब मैं यहाँ यह विश्वास करने के लिए इच्छुक हूँ कि पहला स्वर्ग दृश्यमान स्वर्ग है जिसे हम देखते हैं, तो दूसरा पहले और तीसरे के बीच होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे ग्रह और परमेश्वर के निवास स्थान के बीच एक और स्वर्ग होना चाहिए। यह फिर से मेरी राय है। मुझे लगता है कि बाइबल में और हमारे अनुभव में कई ऐसी बातें हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। तो हमारे और परमेश्वर के बीच एक शैतानी राज्य है। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उससे इसका बहुत कुछ लेना देना है। मुझे यकीन है कि आपने यह वाक्यांश प्रार्थना में रहना है। किस बात के लिए? मुझे पता है जब मैंने पहली बार एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परमेश्वर को खोजा, मैंने एक घंटे तक प्रार्थना करने की कोशिश की और एक शब्द भी न बोल सका। मैं ईमानदारी से तलाश कर रहा था और फिर किसी भी तरह मैंने प्रारंभ किया। पीछे मुड़कर देखा तो मुझे विश्वास है मैंने एक शैतानी ताकतों को तोड़ दिया जो कि मुझे यीशु के साथ सीधे व्यक्तिगत संपर्क में आने के विरोध कर रहे थे। यह मेरे पूरे जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ था। तो पुरातन पेंटेकोस्ट निवासियों पर मत हंसिए जो प्रार्थना में लगे रहने के बारे में बात करते हैं। हो सकता है उनके कुछ तरीके गैर परंपरागत सत्य है। यह हमारी आत्मिक युद्ध प्रणाली का हिस्सा है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यह एहसास करना शुरू करें कि आपके और परमेश्वर के बीच एक विरोध करने वाला राज्य है तो आपको आत्मिक अनुभव में अधिक सार्थकता प्रदान करेगा, प्रार्थना में सबक सिखाएगा। अब मैं दानियल की पुस्तक निकालना चाहता हूँ जो कि मैं मानता हूँ इन सिद्धांतों का वर्णन करती है जिन्हें बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ।
जो अध्याय में निकालना चाहता हूँ वह 10 अध्याय है। अगर आप सच में रुचि रखते हैं तो आपको अपने समय पर सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं पूरे अध्याय को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताने जा रहा हूँ। एक निश्चित बिंदु पर जब दानियल एक बहुत ही परिपक्व विश्वासी था, उसने स्वयं को 21 दिन के लिए उपवास करने के लिए दिया, जिसे दानियल का उपवास कहा जाता है। उसने सब प्रकार का भोजन खाना नहीं छोड़ा, लेकिन वह केवल बहुत ही सरल बुनियादी खाना खाया और दाखमधु नहीं पिया, कोई फैंसी पेय नहीं लिया। जैसा कि लिविंग बाइबल में वचन कहता है, बेशक खाने के बाद कोई मिठाई नहीं। वह अपने लोगों यहूदी लोगों के भविष्य को समझने के लिए ईमानदारी से परमेश्वर की खोज कर रहा था और वह 3 हफ्तों तक प्रार्थना करता रहा और कुछ नहीं हुआ। देखिए, यह वही चित्रण है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर एक बढ़िया पराक्रमी स्वर्गीय प्राणी आया। इस प्राणी की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि जो लोग दानियल के साथ थे वे भय के मारे भाग गए और दानियल बिल्कुल शारीरिक शक्ति से वंचित हो गया। ठीक योना की तरह, जिस प्रकार यीशु के जी उठने और स्वर्गारोहण के समय जब उसने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, लेकिन यह स्वर्गदूत दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आया था। वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। जिस बिंदु पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह है, जब दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया तो पहले ही दिन स्वर्गदूत भेजा गया, लेकिन वह 3 सप्ताह तक नहीं पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन से पृथ्वी पर दानियल की उपस्थिति तक उसे शैतानी विरोध का सामना करना पड़ा। जो विरोध उसने सहा वह मनुष्य से नहीं था। कोई भी मनुष्य इस प्रकार की किसी दूत का सामना नहीं कर सकता है। वो पृथ्वी पर नहीं था, यह परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं था, लेकिन यह परमेश्वर के स्वर्ग और पृथ्वी के बीच किसी क्षेत्र में था। मेरा मानना है शैतान का राज्य, दूसरे शब्दों में उस संदेश को लेकर आने के लिए जिसे परमेश्वर ने भेजा था, स्वर्गदूत को शैतान के राज्य को तोड़ना पड़ा। और यही कहना चाहता है कुछ प्राणियों के बारे में, दूसरा फारस का राजा कहा जाता है और बाद में यूनान का राजा, और जब आप इन्हें देखते हैं तो आप पाएंगे कि इनमें से कोई भी मनुष्य नहीं है, वे सभी दिव्य प्राणी हैं जो शैतानी स्वर्गदूत है। उन्होंने दानियल के पास स्वर्गदूत को आने से रोकने के लिए यथासंभव प्रयास किया। मुझे कुछ बताने दीजिए, मुझे लगता है यह रोमांचक है। दानियल की प्रार्थना ने सारे स्वर्ग में हलचल मचा दी। इस प्रार्थना ने स्वर्गदूत को काम में लगा दिया। इसने शैतान के दूतों में उसका विरोध करने के लिए हलचल मचा दिया। और दानियल को प्रार्थना में लगे रहना था। उत्तर पाने से पहले उसे 21 दिन तक बाट जोना पड़ा था। तो प्रिय भाइयों और बहनों, कभी कभी जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिलता तो यह इसलिए नहीं है कि आप गलत चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वास्तव में इसलिए कि आप सही बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन विरोध है। और एक बात जो हम इन वार्ताओं को देखते हैं वह है कि विरोध पर कैसे जीत हासिल करना है, कैसे प्रार्थना में लगे रहना है, कैसे आरंभ करना है, इन शक्तियों पर कैसे जीत दर्ज करना है। खैर, आइए देखें कि पद 12 और 13 में स्वर्गदूत ने दानियल से क्या कहा। फिर उसने स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसने किस प्रकार स्वयं को दीन किया, उपवास के द्वारा। इस बात का ध्यान में रखे, उपवास परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन करने का एक तय तरीका है। पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूँ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने पहले ही दिन मुझे भेजा जब तुमने प्रार्थना करनी शुरू की। वह क्यों आ नहीं पहुँचा? इसलिए नहीं कि परमेश्वर के सिंहासन से पृथ्वी तक आने में स्वर्गदूत को 21 दिन लगते है, यह कारण नहीं है। 13 पद पढ़े, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा। फारस के राज्य का प्रधान कौन है? शायद शैतान, लेकिन मेरे अनुसार ये शैतान की ओर से एक शैतानी दूत है, जिसे शैतान ने फारसी साम्राज्य में परमेश्वर के प्रयोजनों का विरोध करने के लिए फारसी साम्राज्य पर ठहराया है। अब मुझे एक पल के लिए विराम लेने दे।
इस समय क्यों फारसी साम्राज्य महत्वपूर्ण था? अगर आप इसराइल के इतिहास का अध्ययन करें तो देखेंगे कि यहूदी लोगों द्वारा परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के बाद चार अन्य जातीय राजाओं ने उन पर शासन किया और अपने ही देश से वे निर्वासित किए गए। पहला बाबुल था जो उन्हें गुलामी में ले गया। दूसरा मादी फारसी था, यह वह था जो दानियल के समय अधिकार में था। तीसरा यूनान था और चौथा रोम था। और मानव जाति के लिए परमेश्वर का सारा प्रयोजन यहूदी लोगों में केंद्रित था। यहूदी लोग केवल यहूदी लोगों में से मसीह उद्धारकर्ता आ सकता था। और चूंकि परमेश्वर का प्रयोजन इसराइल में केंद्रित था, वैसे ही शैतान का विरोध भी इसराइल में केंद्रित था। दूसरे शब्दों में, जब आप परमेश्वर की योजना के केंद्र में है तो यही वो स्थान है जहां आपका सबसे अधिक शैतानी विरोध होता है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तो शैतान करना यह चाहता था कि यहूदी लोगों को इसराइल को बंधुआई में रखे और अपने देश लौटने न पाए। दानियल जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, अपनी निज भूमि में इसराइल की वापसी, तो यह फारस के राज्य का यह शैतानी राजकुमार उसके पास से चला गया। और तब स्वर्गदूत आगे कहता है, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। तो यह स्वर्गदूत अपने दम पर नहीं कर सका। यह वास्तव में एक आकर्षक चित्र है। और मिकाएल क्यों आया था? स्वर्गदूतों के मध्य मिकाएल का क्या काम है? उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। अपनी उंगली दानियल 10 पर रखिए और एक पल के लिए दानियल 12 पद 1 निकाले। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। जब दानियल को संबोधित किया जा रहा तो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। जब दानियल को संबोधित किया जा रहा तो तेरे जाति भाइयों कौन है? यहूदी लोग। सही है, बहुत बार मिकाएल केंद्र में है। आप सुनिश्चित कर सकते हैं यहूदी लोग इतिहास के केंद्र में है, क्योंकि उसका विशेष कार्य उन पर नजर रखना है। उन्हें बचाने को शैतान के प्रयासों से उनकी रक्षा करना है, जो कि हम जानते हैं कि असंख्य है। वापस दानियल अध्याय 10 और 13 पद को देखें। स्वर्गदूत यह कहकर समाप्त करता है, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब राजाओं बहुवचन है और मुझे लगता है कि हमारे सामान्य उपयोग के विपरीत तो एक प्रधान था और उसके अधीन कई राजा थे। यही मैंने कहा, विभिन्न राजा और अधिकार का उतरता क्रम। उन राजाओं का काम क्या था? हमारे पास परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूँ कि उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर शैतान का एक प्रधान है जिस पर मुझे संदेह नहीं है। मुझे उस पर संदेह नहीं करने का कोई बहाना नहीं है। उस प्रधान के अंतर्गत कमतर शासक है जो शायद ब्रिटेन के मुख्य शहरों में से प्रत्येक पर हावी है। एक उपदेशक के रूप में घूमते हुए जब मैं एक शहर में आता हूँ और अनुभव से अपना एंटीना लगाना सीखा कि उस शहर पर कौन सा दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। फिर फारसी साम्राज्य में कई अलग अलग जातीय समूह थे और मैं यह विश्वास करने का इच्छुक हूँ कि प्रत्येक प्रमुख जातीय समूह पर एक शैतानी शक्ति काम करती है। अगर मैं किसी को ठेस पहुंचाए बिना यह कह सकता हूं, तो मुझे लगता है कि यह अमेरिकी भारतीयों के मामले में विशेष रूप से स्पष्ट है, जो एक बहुत दुखद कहानी है। क्योंकि सभी आत्मिक और भौतिक आशीष जो अमेरिका पर आई है, अमेरिकी भारतीयों ने शायद ही उनसे कुछ भी चखा है और वे जादू टोने में अत्यंत गहरे हैं। और व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि वह विशेष शैतानी व्यक्ति जिसे अमेरिकी भारतीयों को अंधकार और बंधन में रखने का कार्य सौंपा गया है, वह मूल रूप से इस समय तक प्रबल रहा है। हम और जाति समूह को देख सकते थे, परंतु समय इसकी अनुमति नहीं देता है। तब फारसी साम्राज्य में बहुत सारे धर्म भी थे। मैं यह विश्वास करने के लिए इच्छुक हूँ कि उनमें से प्रत्येक समूह, संप्रदाय या पंथ पर विशेष शासक था। तो दानियल के पास आने से रोकने के लिए शैतानी दूतों का पूरा समूह ही विरोध के लिए उपस्थित था। हालांकि मिकाएल आया, उसने इस बाधा को तोड़ा और अपना संदेश दिया, परंतु उसने दानियल से कहा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे वापस जाने के बाद क्या होने वाला है। और तब हम दानियल 10 अध्याय के पद 20 को आगे देखेंगे। तब उसने कहा,
क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। दूसरे शब्दों में, फारस के प्रधान के साथ अभी युद्ध नहीं हुआ है। जब फारस के प्रधान का न्याय किया जाएगा तो फारसी साम्राज्य का क्या होगा? सारी संभावना है कि वह नष्ट हो जाएगा, जो कुछ देर बाद हुआ था, परंतु यह अंतिम साम्राज्य नहीं था। और इसलिए वह कहता है, और जब मैं निकलूँगा तब यूनान का प्रधान आएगा। अगले बड़े साम्राज्य पर शैतानी शासक सिकंदर महान के अधीन यूनानी साम्राज्य ने फारसी साम्राज्य को पूरी तरह पराजित कर दिया और कुचल दिया, और पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर शासन करने की कल्पना की। और 10 वर्षों में सिकंदर ने भूमध्य सागर के दक्षिण तटवर्तीय क्षेत्र सहित पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में भारत तक जीत लिया, जो कि सैनिक विजय का एक बहुत बड़ा उदाहरणों में से एक है। परंतु एक और व्यक्ति था, उसके पीछे एक प्रधान था। मैं सच में यह मानने के लिए तत्पर हूँ कि मानव इतिहास की अधिकांश बड़ी घटनाओं की व्याख्या इसी परिप्रेक्ष्य की जा सकती है। और तब पद 21 में वचन कहता है, और जो कुछ सच्ची बातों में भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, दूसरे शब्दों में मैं सच में आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और आप देखेंगे कि अगले अध्याय में यह बताया गया है, और वह कहता है, उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़। और तब वह अगले अध्याय के पहले पद में कहता है, जो कि इसी बातचीत का हिस्सा है। अब पहला मादी फारसी शासक दारा था, जिसने बाबुल के साम्राज्य को कुचल दिया और आगे बढ़ा और उसका स्थान ले लिया। अब दारा और उसके पश्चात कुसरू ने यहूदी लोगों के लिए द्वार खोला कि वे अपनी निज भूमि में वापस जाना आरंभ करें। अतः एक निश्चित अर्थ में दारा द्वारा बाबुल पर विजय परमेश्वर की योजना में एक बड़ी आत्मिक विजय थी, और जिस विषय में इस स्वर्गदूत ने कहा, और दारा नाम मादी राजा के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। पुनः हम देखते हैं कि मानवीय शासक और मानवीय प्रधान अपने आप में ही काम नहीं करते हैं। उनके पीछे ईश्वरीय और शैतानी दोनों ही प्रकार के अदृश्य आकाशीय ताकत होते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उन शासकों और पृथ्वी पुरुषों को दृढ़ किया जो पृथ्वी पर परमेश्वर के अभिप्राय को आगे बढ़ाएंगे। शैतान के दूतों ने उन पुरुषों का विरोध किया। यह एक बहुत बड़ा कारण है मसीहों को क्यों अपने देश के शासकों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें शैतानी गतिविधियों को रोकना और परमेश्वर के स्वर्गदूतों की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। परंतु याद रखिए, इस विशिष्ट स्थिति में तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक दानियल ने प्रार्थना नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकाशन से बढ़कर और कोई बात हमें प्रार्थना करने के लिए अधिक चुनौती देती है। और मुझे लगता है कि यद्यपि यह अजीब सा लगता है कि दानियल की प्रार्थना उन ताकतों में से एक थी जिसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को आने का मार्ग प्रशस्त किया। भाइयों और बहनों, हो सकता है आप इस बात को कम आंकते रहे हैं कि आपकी प्रार्थना क्या कर सकती है। तो शैतान ने, जो कि लूसीफर के पद से पतित हो गया था, आकाश में अपनी विद्रोही राज्य स्थापित किया हुआ है और वहाँ विद्रोही स्वर्गदूतों पर शासन करता है। शैतान और वे जो उसके साथ थे, उनका वर्णन करने के लिए मुख्य शब्द विद्रोह है, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह। अब पृथ्वी पर शैतान के राज्य का भी एक कमतर स्तर है, और पुनः मुख्य शब्द जो उनका वर्णन करता है, जिन पर वह पृथ्वी पर शासन करता है, विद्रोह शब्द है। इफिसियो 2 अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है। अब हम स्वर्गीय स्थानों में शैतान के राज्य पर बात नहीं कर रहे हैं, परंतु उनके बारे में जिन पर पृथ्वी पर वो शासन करता है। इफिसियो 2 अध्याय और ये शब्द मसीहों को संबंधित किए गए हैं, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों, अब वह वर्णन करता है कि मन परिवर्तन और सेवा में आने से पहले लोग कैसे जीते है, के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार का हाकिम कौन है? शैतान। हाँ ठीक है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है।
वह शब्द कौन सा है जो अनाज्ञाकारिता के पुत्रों का वर्णन करता है? विद्रोह। कोई भी जो परमेश्वर के प्रति विद्रोह में है वह स्वतः ही शैतान के प्रति विद्रोह में आ जाता है। आप समझे, आराधना में जाना और भजन गाना ही काफी नहीं है, आपको परमेश्वर के प्रति अपने विरोध को त्यागना और परमेश्वर के प्रति अपने आप को सौंपना, तभी परिवर्तन आता है। आराधना में जाने वाले बहुत से लोग अब भी विद्रोही है और विद्रोहियों के रूप में वे वास्तव में शैतान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अपत 3 में पौलुस आगे कहता है, हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, क्या या कोई इस बात से असहमत है? मैं एक बात जानता हूँ, मैंने निश्चित रूप से कहा है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मैं इससे पहले कहाँ था जब प्रभु ने मुझे पाया। मैं एक विद्रोही था और विद्रोहियों के राज्य में था। मैं इस बात को नहीं जानता था, मैं सोचता था कि मैं एक बहुत बुद्धिमान और बहुत सफल व्यक्ति हूँ। मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ का उत्तर है। तब तक मैंने बाइबल पढ़ना आरंभ नहीं किया और तब मैंने पाया कि ऐसा नहीं था। मैं इस विषय में और आगे नहीं जा सकता हूँ, परंतु मैं केवल यह कहना चाहता हूँ। पौलुस ने कहा, हम सब प्रेरित गण उस विभाग में थे, विद्रोही थे, जो आत्मिक सामर्थ्य से शैतान के द्वारा चलाए चलते थे, जिसे हमने नहीं जाना। हमें नहीं मालूम था कि कौन हमें नियंत्रित कर रहा है। जैसे ही हम खींचे जाते थे हम चल पड़ते थे, जिनके बीच में हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। ध्यान दें कि ये केवल शरीर की अभिलाषाएं ही नहीं, परंतु हमारे मन भी अत्यंत संक्रमित है और जब तक हम समर्पित नहीं होते हैं परमेश्वर के साथ शत्रुता में है। बौद्धिक लोग परमेश्वर के सबसे भक्तिमय शत्रुओं में से कुछ है और तब वह कहता है, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु ये शैतान के राज्य के वर्णन का निचला स्तर है। पृथ्वी पर मानवता, सभी मानव विद्रोह करते हैं, चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय के हो। जब तक हम परमेश्वर के नियुक्त शासक यीशु मसीह के सम्मुख समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम विद्रोही है और आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा शैतान उन पर नियंत्रण रखता है। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक वाक्यांश है, वह कहता है कि वह आकाश के अधिकार के क्षेत्र में सामर्थ का हाकिम है। मैं इस पर ठहर नहीं सकता, परंतु हवा के लिए यूनानी भाषा में दो मुख्य शब्द है, एक एयर जिसमें से हमें हवा शब्द मिलता है और दूसरा शब्द अएदेर है जिसमें से एदेर शब्द आया है। हमें शब्दों से मतलब नहीं है कि कहाँ से आए है, परंतु तथ्य यह है कि एयर निचले स्तर की हवा है जो पृथ्वी की सतह से संक्रमित होती है। एयर उच्च दबाव वाली हवा है। आपको क्या लगता है कि यह किस शब्द का उपयोग किया गया है? निचली हवा। दूसरे शब्दों में शैतान पृथ्वी की सतह पर काम करता है, यही क्षेत्र है। कई रोचक अनुमान पाए जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जब यीशु आएगा तो हम उससे मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। कौन सी हवा? निचली हवा। हम उन सब में नहीं जा सकते हैं, हमें इस विषय में बहुत सैद्धांतिक होना पड़ेगा, परंतु हम अपने आप को रोकेंगे। मुझे आपको शैतान का एक उल्लेखनीय चित्रण बताने दीजिए, जिसे आपने कभी भी अय्यूब 41 अध्याय में ध्यान नहीं दिया होगा। अब यह पूरा अध्ययन लिव्यातन नामक प्राणी के बात करता है, जो एक प्रकार का समुद्री दैत्य है। हम लिव्यातन के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं, परंतु क्या आप सोचते हैं कि बाइबल, जो कि बहुत किफ़ायती है, केवल एक समुद्री दैत्य के लिए 34 पद खर्च करेगा? नहीं, सच्चाई यह है कि लिव्यातन शैतान का एक रूप या चित्रण है। आप सावधानीपूर्वक इसका अध्ययन कर सकते हैं और यह देख सकते हैं। मैं आपको केवल अय्यूब 41:34 का यह अंतिम कथन बताना चाहता हूँ। यह शैतान है, जहाँ कहीं मनुष्य के हृदय में घमंड प्रवेश करता है तो यह वही प्रभाव है जिसने शैतान से परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करवाया। घमंड हमें शैतान के अधीन ले आता है। इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हम पेंतेकोस्त बैप्टिस्ट कैथोलिक है, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारे हृदय के प्रवृत्ति
परमेश्वर के प्रति कैसी है, और जब तक हमारे पास ऐसा हृदय न हो जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित न हो, हम हर प्रकार के अच्छे धार्मिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं और हर प्रकार की उपाधि का दावा कर सकते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि हम लिव्यातन के साम्राज्य के अधीन है, क्योंकि अहंकार के सभी संतानों पर वह राजा है। आप घमंड के विषय में कितने संदेश सुनते हैं, आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से मुझे लगता है कि आज कलीसिया छोटी बातों को बड़ा करके बता रही है। मुझे मालूम है, वर्षों पूर्व जब एक पास्टर था तो मैं लोगों के धूम्रपान के खिलाफ था, मैं भयावह था। समस्या यह थी कि उन दिनों हम अपनी कलीसिया में नहीं रखते थे जो धूम्रपान करते हैं, परंतु हम उन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं जो अपनी पत्नियों से झगड़ा करते हैं। और मैंने ऐसा पाखंड महसूस किया कि मैंने एक युवक से कहा कि आप कलीसिया के सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि आप धूम्रपान करते हैं। और मैं जानता था कि कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनकी मनोवृत्ति और संबंध अपने पतियों और पत्नियों के प्रति सही नहीं है। देखिए, धूम्रपान, नशा करना जैसी बातें पेड़ की छोटी शाखाएं मात्र है, परंतु आप जानते हैं कि जड़ क्या है, विद्रोह। और मत्ती का सुसमाचार परिचय में योन्ना बपतिस्मा दाता से कहलवाता है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। यही हमारा लक्ष्य होना है। शैतान की अभिलाषाओं के उद्देश्य के बारे में अंत में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बहुत निश्चित उद्देश्य है। उसके दो मुख्य अभिलाषाएँ है, सारी मानव जाति पर शासन करना, आपको इफिसियो 6:12 याद होगा जिसका मैंने प्रयोग किया था, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उसका दूसरा उद्देश्य आराधना पाना है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। आप देखें, उसने परमेश्वर के साथ समानता का दावा किया परंतु अयोग्य ठहराया गया, परंतु उसने दावा छोड़ नहीं दिया। और एक तरीका है जिससे वह अब भी यह दावा करता है, वह क्या है, आराधना करने के द्वारा, क्योंकि आराधना केवल परमेश्वर की है। तो जब कभी शैतान आराधना पाता है, वो कहता है, अब देखो मैं अब भी परमेश्वर हूँ। और यदि आप सच में शैतान के किसी कार्य का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि उसका अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव जाति की आराधना प्राप्त करना है। और मेरे आकलन में भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से वह अपने अभिलाषा की पूर्ति में बहुत करीब है। मैं मानता हूँ कि आकाश में शैतान और उसके दूत मूर्ति पूजा के ईश्वर थे। मूर्ति पूजक समाजों और जातियों के द्वारा माने और आराधना के लिए जाने वाले सभी ईश्वर शैतान और उसके दूतों का वर्णन करने के विभिन्न तरीके हैं। जूस, हर्मिस, पोसिडोन, सभी यूनानी देवता जिनका उपयोग मैंने बहुत कुछ जानने के लिए किया, उनकी अब बहुत कम परवाह करता हूँ। सभी शैतानी दूतों के विभिन्न स्वरूप है, और जब आप मानव जाति की सभी संस्कृतियों देखेंगे तो आप विभिन्न नाम देखते हैं, परंतु समान प्राणी है। और जब वे आराधना करते हैं, वे किसकी आराधना करते हैं, शैतान और उसके दूतों की। एक और विशिष्ट तरीका है जिससे पतित मनुष्य को शैतानी राज्य से संबंधित करना है। सभी सामान्य शब्द जादू टोना है जो विभिन्न रूपों से सभी मूर्ति पूजक समाजों में प्रबल है। शायद ही ऐसा होगा कि आप किसी मूर्ति पूजक समाज में जाए और आपका सामना एक ऐसे व्यक्ति से न हो जो ओझा है। विभिन्न भाषाओं में आपको विभिन्न नाम मिलेंगे, परंतु व्यक्ति एक ही है। झाड़फूंक करने वाले एक तरह से शैतान का याजक, वही वह व्यक्ति है जो लोगों को शैतान के राज्य के संपर्क में आने देता है। वे ऐसा क्यों चाहते हैं? दो मुख्य कारण। सबसे पहले, वे उन विपत्तियों के प्रति बहुत अधिक भयभीत है जो शैतान उन पर ला सकते हैं, और उनके अधिकांश बलिदान और प्रथाएं इस क्रूर और तुनक मिजाज प्राणियों को उन्हें सामर्थ्य चाहिए शांत करने के लिए है, और दूसरा उन्हें सामर्थ्य चाहिए और ओझा शक्ति पाने का माध्यम है। विदेशी मिशन क्षेत्रों में मैं लोगों से कहता हूँ, कभी अफ्रीका या भारत जाकर मत कहना कि शैतान वास्तविक नहीं है। वे सभी जानते हैं कि वह है, दुष्टात्माएं वास्तविक है,
वे उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आपको उन्हें यह बताना है कि दुष्ट आत्माएं वास्तविक होती है, परंतु यीशु वास्तविक है और उसने दुष्ट आत्माओं को हराया है और वह हमें उन्हें हराने की सामर्थ्य देता है। तो अंततः एक धार्मिक कार्य के रूप में जादू टोना परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य के विद्रोह की एक अभिव्यक्ति है। जादू टोना पतित मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है और यह संपूर्ण मानव जाति को अपनी चपेट में लाता है। यह बहुत असाधारण या अजीब नहीं है। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ और यह हमारे दिनों में महत्वपूर्ण है, वह है जादू टोना एक निर्धारित वापसी करना है। यह ऐसा है जैसे जहाँ मसीहत आई वहाँ पर शैतानी प्राणियों पर दबाव बना, परंतु वे कभी पूरी तरह पराजित नहीं किए गए। और अब यह कहते हैं अब हमारी बारी है, हम वापस आ रहे हैं।